हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। कल से एक न्यूज़ चल रही है कि केंद्रीय विद्यालय में क्लास वन के फॉर्म आ गए हैं। फिर कहीं से न्यूज़ आ रही है कि केंद्रीय विद्यालय में बाल वार्ड का थ्री के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो ये सब न्यूज़ कहां से आ रही है, ये एक्चुअल में ऑफिशियल वेबसाइट अपडेट हो रही है और वहीं से ये न्यूज़ आ रही है। चूँकि जब ऑफिशियल वेबसाइट अपडेट होते रहती है तो उस पर जिस चीज़ का टेस्टिंग चलते रहता है वह चीज़ दिखाता है। जैसे मान लीजिए बालवाट का थ्री के लिए ऑनलाइन टेस्टिंग चल रही है तो बालवाट का थ्री की ऑनलाइन टेस्टिंग दिखाता है, और अगर क्लास वन की टेस्टिंग चल रही है तो क्लास वन का टेस्टिंग दिखाएगा। इसीलिए कल सुबह से क्लास वन के लिए ऑनलाइन टेस्टिंग दिखा रहा था कि क्लास वन के ऑनलाइन फॉर्म 29 फरवरी को भरना बंद हो जाएंगे, और उसके बाद शाम के समय दिखाने लगा कि बालवाट का वन के फॉर्म 10 फरवरी से भरे जाएंगे। ये दोनों न्यूज ही सही नहीं है। हो सकता है कि इसमें कोई न्यूज़ सही हो सकता है कि 29 फरवरी से क्लास वन के फॉर्म भरे जाएं, लेकिन इसे अभी कंफर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब भी ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने होते हैं तो उसके पहले एक एडमिशन शेड्यूल आता है, फिर एडमिशन गाइडलाइन आती है और उसमें डेट दिया रहता है, और उसी के आधार पर फिर ये ऑनलाइन पोर्टल पर फॉर्म भरे जाते हैं। तो अभी ना एडमिशन शेड्यूल आया है ना एडमिशन गाइडलाइन आई है, इसलिए ये डेट सही नहीं है। दूसरा चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले सालों में भी ऐसा हुआ है कि जब वेबसाइट अपडेट होती रहती है तो नई नई डेट दिखाती रहती है, लेकिन वो डेट सही नहीं रहती हैं, क्योंकि जो डेट आना रहता है वो डेट अक्सर नहीं दिखाता। पिछले बार भी मार्च में फॉर्म भरे गए थे और जो अपडेट के समय डेट दिखा रहा था वह फरवरी का डेट दिखा रहा था। तो ये डेट एकदम कंफर्म है कि ये डेट नहीं रहेगी, दूसरा कोई डेट रहेगा। डेट कुछ भी हो सकता है, यह भी नहीं बोल सकते कि ये डेट नहीं रहेगी, लेकिन अभी जो डेट दिखा रहा है ये सही नहीं है। अभी आपको फॉर्म नहीं भरना है। तो चलिए हम उस वेबसाइट पर चलते हैं जहां पर ये न्यूज़ दिखा रहा है। तो हम जाएंगे kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर। इस पोर्टल पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, यह पोर्टल विशेष रूप से शैक्षणिक सत्र 2024-25 में भारत के केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका 3 में प्रवेश के लिए है। यह एक परीक्षा पोर्टल है, कृपया इस पोर्टल पर पंजीकरण न करें। अभी इतना न्यूज दिखा रहा है, नीचे पंजीकरण का साइन भी आ रहा है, यहाँ से पंजीकरण करना रहता है, लेकिन अभी आपको पंजीकरण नहीं करना है। मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, देखिए अभी ये चेंज हो जाएगा। जैसे ही रिफ्रेश करूंगा चेंज हो जाएगा। अब देख लीजिए इसमें एक चीज और जुड़ गया, शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए बाल वाटिका 3 में प्रवेश के लिए पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन 10 फरवरी 2024 11 IST से शुरू होगा। तो एक लाइन ये और जुड़ गया कि बाल वाटिका 3 के लिए 10 फरवरी से फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे इसे हम फिर रिफ्रेश करेंगे तो ये फिर से गायब हो जाएगा और ये लाइन हट जाएगी। तो ये अभी टेस्टिंग पोर्टल है, ये टेस्ट हो रहा है, और इसका न्यूज ये बता भी रहे हैं कि यह एक परीक्षण पोर्टल है, इसमें पंजीयन मान नहीं है, कृपया पंजीयन न करें। दिस इज ए टेस्टिंग पोर्टल, रजिस्ट्रेशन इन दिस पोर्टल इज नॉट वैलिड, प्लीज डू नॉट रजिस्टर इन दिस पोर्टल। तो ये सुविधा इस बार पहली बार दिया गया है, पहले ये लिखते नहीं थे, बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता था, लेकिन इस बार इन्होंने बहुत अच्छा किया है, ये खुद से लिख कर बता रहे हैं कि यह टेस्टिंग पोर्टल है, इस पर रजिस्ट्रेशन ना करें। एक चीज मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि जैसे आप लोग कमेंट करते रहते हो कि क्या क्लास वन के एडमिशन होंगे, क्या बाल वाटिका 3 के एडमिशन होंगे, तो ये दोनों चीज़ का टेस्टिंग चल रहा है। सुबह टेस्टिंग चल रही थी क्लास वन के लिए, इस समय आप देख सकते हैं टेस्टिंग चल रही है बाल वाटिका 3 के लिए। तो उम्मीद है कि इस बार दोनों फॉर्म आएंगे, और क्लास वन के भी फॉर्म आएंगे, बाल वाटिका 3 के भी फॉर्म आएंगे, और इस बार लोकसभा चुनाव भी है और वह मई जून में है, तो इसलिए बाल वाटिका 3 के एडमिशन भी बहुत जल्दी हो सकते हैं, यानी अप्रैल तक उसके भी एडमिशन हो सकते हैं। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि पहले बाल वाटिका 3 के फॉर्म आएंगे या क्लास वन के फॉर्म आएंगे, लेकिन जैसे हमेशा होते रहा है कि पहले क्लास वन के फॉर्म आते हैं उसके बाद बाल वाटिका के फॉर्म आते हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि क्लास वन के फॉर्म फरवरी में ही आ जाएंगे और बाल वाटिका 3 के फॉर्म मार्च या अप्रैल में आएंगे। चूँकि इनको मई जून के पहले प्रक्रिया पूरी करनी है, इसलिए इस बार बाल वाटिका 3 के फॉर्म जल्दी आ सकते हैं, यानी ये दोनों प्रक्रिया जल्दी पूरी हो सकती है। अब हम यह देखेंगे कि फॉर्म आएगा तो हमको पता कैसे चलेगा। पहले तो जब फॉर्म आएगा तो यहाँ जो ये लिखा है ये लिखा रहेगा, चाहे ये क्लास वन के लिए लिखा रहे या बाल वाटिका 3 के लिए लिखा रहे। दूसरा चीज़ क्या है,
कि यहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, आप भी देख पा रहे होंगे कि रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं है, लेकिन रिफ्रेश करने से रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी आ जाता है। जैसे मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करें करके आ गया, क्लिक हियर टू रजिस्टर, तो रजिस्टर का भी ऑप्शन आ जा रहा है। तो ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह जो पट्टी चल रही है ऊपर और नीचे दोनों तरफ, यह एक परीक्षण पोर्टल है, इसमें पंजीयन मान नहीं है, कृपया पंजीयन ना करें। यह वाली लाइन हट जाएगी और पंजीयन शुरू हो जाएंगे। और एक चीज़ से हम समझ जाएंगे कि पंजीयन शुरू हो गया है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, उसके लिए क्या होता है, शेड्यूल आएगा, गाइडलाइन आएगी। तो वो कहाँ पर आएगी मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपको टाइप करना होगा kvs.gov.in, इसे टाइप करके सर्च कर देना होगा। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने केंद्रीय विद्यालय की नई दिल्ली वाली ऑफिस का एड्रेस आ जाएगा और उसे आपको क्लिक करना है। इसे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी और इसमें आपको एकेडमिक में जाना है। एकेडमिक में जाकर आपको एडमिशन गाइडलाइन पर क्लिक करना है। जैसे ही एडमिशन गाइडलाइन पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने एडमिशन गाइडलाइन का पेज आ जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि पिछले साल का एडमिशन गाइडलाइन पूरा दिया हुआ है, जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन एडमिशन नोटिस 2023-24 या नोटिस है, फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन एडमिशन गाइडलाइन 23-24, ये पूरी गाइडलाइन है, फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन एडमिशन शेड्यूल 2023-24, ये शेड्यूल भी आ गया है। तो इतनी चीजें एक साथ आती हैं और ये एडमिशन स्टार्ट होने से 2-4 दिन पहले ही आती हैं। तो जैसे ही आपको इस वेबसाइट के इस पेज पर 2024-25 की गाइडलाइन या नोटिस या शेड्यूल दिखे तो समझ लीजिए कि एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, और उसमें आपको डेट भी बताया रहेगा कि किस डेट से कितने बजे से एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो अभी इसमें कुछ नहीं आया है, ये सब पिछले साल का है। मैं कोई एक पीडीएफ डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये 23-24 का पीडीएफ है और पिछले बार 25 मार्च से एडमिशन स्टार्ट हुए थे, लेकिन इस बार एडमिशन पहले स्टार्ट होने की संभावना है। ये इस साल का नहीं है, पिछले साल का है, इस साल अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो अभी आपको फॉर्म नहीं भरना है क्योंकि एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, और आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हम वीडियो लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि कब से फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको पूरी जानकारी देते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।